हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट फ्यूचर आपकी तरफ क्या हो सकता है, इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। थोड़ी देर पहले मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया था कि रीडिंग लेट हो सकती है, इवनिंग तक पोस्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे लगा था मैं टाइम से नहीं आ पाऊँगी, पूजा पाठ एंड ऑल दर्शन इत्यादि। तो मैं समय से आ गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए रीडिंग फटाफट करके पोस्ट कर दूँ, फिर बाकी कार्य होंगे। तो होप कि आप सभी इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार लोग इंतज़ार करते हैं फिर मुझे लिखते हैं कि मैम आपका वेट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दिया था ताकि आप लोग अपना काम धाम करो, मस्त रहो, और जैसे ही मुझे समय मिला मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। मेजर अरकाना 5 कार्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एम्प्रेस बाहर आना चाह रही हैं, 5 कार्ड एंजल्स। हम चाहेंगे आज माता आप सबको दर्शन दें। जय हो शिव शक्ति, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, नवरात्रि आप सभी की अच्छी जाए। जय हो मातारा। 2 मोर कार्ड्स, द फूल, 1 मोर कार्ड, वी हैव द चैरियट। सो वी हैव मजिशियन, मातारा की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर, आपकी सभी विश पूरी करेंगे, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। आपके पर्सन भी काफ़ी होपफुल हैं, एक नई शुरुआत की वाइब्स है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पीरियड में ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो स्टैंड ले लें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी न्याय करना चाहते हैं, वो भी जस्टिस की वाइब्स में है। सूर्य ग्रहण और न्यू मून बीत चुका है और न्यू मून के बाद की ये एनर्जी है। मैंने आपसे कहा था इस बार न्यू मून हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों का असर पॉजिटिव ही दिखेगा आप लोगों की एनर्जीज़ में, और यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आई हैं। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मे बी आपने कोई टेक्निक यूज़ की हो, मे बी आपने सिर्फ प्रार्थना की हो, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसके रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। वी हैव न्यू बिगिनिंग विद द चैरियट, साथ ही साथ न्याय, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, न्यायपूर्ण एक्शन लेंगे। होपफुल रहिए, जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो होगा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड, साइन बता देती हूँ। वी हैव अक्वेरियस, दैट इज़ कुंभ, मीन, पाइसेस, चैरियट, यहाँ पर कर्क राशि, कैंसर, देन वी हैव लिब्रा, तुला, वी हैव लियो, दैट इज सिंह, सिंह सिंह एम सिंह। आप में से कई लोग कहते हैं कि मैम आप सिंह लगाते हो तो आप पंजाबी हो क्या? नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, आई एम भूमिहार ब्राह्मण, मैरिड टू अ ब्राह्मण, सो भूमिहार ब्राह्मण, मैरिड टू ब्राह्मण, सो आई एम ब्राह्मण एंड भूमिहार ब्राह्मण मिक्सचर, ठीक है। भूमिहार ब्राह्मण दान लेते नहीं हैं, देते हैं। परशुराम के, हम लोग के जो पूर्वज हैं वो परशुराम हैं, तो जो भी भूमिहार ब्राह्मण होंगे वो जानते होंगे, और ब्राह्मण सबको पता ही है। सो माय स्पाउस प्योरली अ ब्राह्मण एंड आई एम भूमिहार ब्राह्मण। तो मेरे अंदर जो मेरी बेटी है उसके अंदर भूमिहार ब्राह्मण की भी क्वालिटीज़ आ गई हैं और ब्राह्मण की भी क्वालिटीज़ आ गई हैं। ब्राह्मण की तरह वो दान देना बहुत पसंद करती हैं, दान लेना भी बहुत पसंद करती हैं, उन्हें गिफ्ट बहुत लेना बड़ा शौक़ है। उन्हों मुझसे हर रोज़ उनका बस चले तो एक गिफ्ट लें। और मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो एक परशुराम जी वाली फाइटिंग नेचर
वो भी उनके पास है, और अपने पिता का जो प्रकांड एक नॉलेज है वो भी उनके पास है। तो हमारी जो पुत्री हैं वो मिक्सचर हैं ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मण के। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा यहीं बता दूं। आप सब बार बार मुझे कमेंट में आते हैं मैसेजेस व्हाट्सएप पे कि मैम आप सिंह लगाते हो, आप पंजाबी हो क्या? पंजाबी क्या है, पंजाबी गुजराती मराठी सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। सो आई लव पंजाब, मुझे बहुत प्राउड होता है हमारे सभी देशवासियों पर, चाहे वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कल्चर से, हम सब एक हैं। शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। काफ़ी लोग बोले मेरी तबीयत ख़राब है। नहीं भाई, ऐसा मैनिफेस्ट मत किया करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो अगर मुझे कभी कुछ हुआ तो आपको कम्युनिटी पे पता चल जाएगा, मैं लिखवा दूँगी, मैंने बोल के रखा है। मेरे व्यूवर्स को एक सेकेंड भी मत छुपाना, तुरंत बता देना अगर मुझे कभी कुछ हुआ तो। सो ऐसा ना सोचा कीजिए, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, शुक्राचार्य की कृपा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को सक्सेस ने क्लैरिफाई कर दिया है। वाओ, वी हैव द सन विद किंग ऑफ कप्स। आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की वाइब्स है, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की वाइब्स है। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन। क्या जस्टिस होगा, न्याय होगा मेरे व्यूवर्स के साथ, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड सेलिब्रेशन। सो आपके जो पर्सन हैं, इनके मन में ये भावना है कि बहुत हो गया, मैंने लाइफ में बहुत दुख दे दिए, अब मुझे उसको खाली हैप्पीनेस देनी है। मुझे अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अब तकलीफ़ नहीं देनी, ये वाली वाइब्स है। आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे किसी को भी हर्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको खुशी दे सके, मतलब आपके और इनके बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है वो रिमूव हो जाएगी। समझ रहे हैं? जय माता रा। देखिए द स्टार के बाद मजिशियन आया है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मैंने कहा ना माँ तारा मैनिफेस्टेशन की ही देवी हैं। माँ तारा आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती हैं, इसीलिए आप ग्रीन तारा मंत्र पढ़ते हो, रेड तारा मंत्र पढ़ते हो। माँ तारा, माता दुर्गा का एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। तो यहाँ पर आप तारापीठ जाते हो, आप कहीं भी जाओ, किसी भी देवी के स्थान पर जाओ, तो माता आपको ब्लेस करती हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। यहाँ पर द स्टार के साथ मजिशियन आया है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो फुलफ़िल होगा, होप रखिए। आपके पर्सन ने भी जो भी मैनिफेस्ट किया है वो फुलफ़िल होगा। द फूल को क्लैरिफाई करें। द फूल को क्लैरिफाई किया है न्यू बिगनिंग ने, एस ऑफ कप्स। बहुत समय वेट कर लिया लेकिन अब ये फियरलेस होकर एक्शन लेंगे, इंस्टेंट एक्शन होगा, तुरंत क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन। चैरियट, वापस आने की वाइब्स है। द फूल के बाद चैरियट आया है, द चैरियट को द फूल ने क्लैरिफाई कर दिया है। बिल्कुल बिंदास हैं ये, खाई में गिर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम इनको अगर कोई कहे ना कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कहेंगे ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी ज़िंदगी ख़राब करने दो, तुम बीच में मत बोलो। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन इस टाइम पे बिल्कुल बिंदास हैं, बिंदास वर्ड राइट है इनके लिए। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन में क्या है आपके पर्सन के, ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। डेस्टिनी आया है, और कोई आना चाहता है? ये भी चाहते हैं कि इनका और इनके परिवार के साथ जो भी कलह कलेश चल रहा है वो दूर हो जाए, मतलब ये अभी भी चाहते हैं कि इनकी फैमिली जो है इनके फेवर में रहे। इनको मैनिफेस्ट करना है कि इनकी फैमिली, देखिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर भी आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है वो झगड़े ना करे, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए इन अ प्रॉपर वे, ये इनके मन में है। और कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो जाए, अगर भाग्य में यही लिखा है तो यही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है।
सो एनर्जी इज़ वेरी नाइस। न्यू मून का और सोलर इक्लिप्स का कोई बैड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, सब अच्छा है, पॉजिटिव है। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की। चक्रा विजडम से देखें, किससे देखें, कौन आएगा भाई? हाँ आ जाओ। किसी ने कहा मुझे कि मैम आपने एक बार अनएक्सपेक्टेड में एक दो हफ्ते पहले ड्रीम्स शेयर किया था कि बहुत सारे गोले गिर रहे हैं आके, और आपने वो शेयर किया था अपनी चैनलिंग में, और इज़राइल और ईरान के बीच में यही चीज़ें दिख रही हैं। कल एक फ़ोटो मुझे शेयर किए काफ़ी लोग जिसमें एग्जैक्टली जो मेरे ड्रीम में चैनलिंग हुई थी, छोटे 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 गोले गिर रहे हैं, मिसाइल्स बहुत सारे, बिल्कुल वही ड्रीम। मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैंने रियलिटी देखी है, और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। महादेव की जो इच्छा, बेचारी आम जनता हर जगह पिसती है। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, और कोई आना चाहता है? सोलर प्लेक्सेस पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव थ्रोट एंड थर्ड आई विद क्राउन। बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ वर्थ। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी खुद की भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी है अपनों पर, चाहे इनकी फैमिली हो, इनके अपने हो, इनके घर वाले, इनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ठीक है अपने आप को सैक्रिफाइस कर दें, अपने आप को त्याग दें अपने परिवार के लिए। कई बार आपको रिजेक्ट भी किया, कई बार आपसे दूरी भी बनाई, कई बार इनको ऐसा भी लगा कि ठीक है इट्स ओके, रिलेशन ही तो है, आज नहीं ये रिलेशन नहीं, कोई और लिखा होगा मेरे भाग्य में। बट सडनली इन्होंने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, कुछ ऐसे लोगों के बिहेवियर देखे जो चेंज हुए, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि यार इन लोगों के लिए मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करने जा रही थी या जा रहा था, क्या मैं सही कर रहा था? और जो मुझसे सच्चा प्यार करता है या करती है, क्या मैंने उसके साथ सही किया? क्या मैंने उसको, क्या वो यही डिज़र्व करता है या करती है मेरे से? तो इनको रियलाइजेशन हुई है कुछ चीज़ों की, और ये रियलाइजेशन अब इनको प्रेरित कर रही है अपनी वर्थ को पहचानने में, आपकी वर्थ को पहचानने में, आप इनके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। अब ये रिलीज़ की वाइब्स में है, ये चाहते हैं सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, जो इनका नहीं इनके वो नहीं, ये वाली वाइब्स है। तो आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पीरियड में अपनी एनर्जीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। इस टाइम पे कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत जल्द आप में से काफ़ी लोगों को आपके पर्सन का एक अलग रूप देखने मिलेगा, जो बहुत ही इनलाइटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होगा, बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा और इंटेंस होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस, अगर ये ईगो में रहते थे या रहती थी, आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगते थे, कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे, दिल दुखा देते थे, तो अब इनको हर चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी भी बोलेंगे, काफ़ी लोग कहते हैं हमारे पार्टनर ने तो कभी आज तक सॉरी नहीं बोला, बोलेंगे आप देखना, बोलेंगे वो आपको मनाएंगे भी, ये वाली वाइब से, क्योंकि आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। जब आप अपनी वर्थ को पहचानोगे तो सामने वाला भी आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ से जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगी, और आप दोनों के बीच में एक ऐसी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी पहले वाले कम्युनिकेशन से। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म, बहुत ज़्यादा डिवाइन लव, ऐसी फीलिंग्स आपको आएंगी कि नहीं मेरा पार्टनर तो सिर्फ मेरा है, इसने तो मुझे खुश कर दिया, दिल खुश कर देता तुझसे, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव।
इमिजिएटली क्या एक्शन होगा? एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। मुझे सारा डेकोरेशन चेंज करना है यार, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। भगवान जी 24 घंटे के से ज़्यादा थोड़ा रोटेशन कर दें, अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा समय ज़्यादा आ जाए। क्यों, फाइनली मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, भी बस एक पेपर बचा है हिंदी। उसको पढ़ाने में उतना तो मैंने नहीं पढ़ा, अपने पढ़ाई के समय में उतना मैं पढ़ ली होती ना तो टॉपर होती मैं क्लास की। हैं, बच्चों के चक्कर में माँ बाप को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्पेशली माँ को। पप्पा तो और डिस्टर्ब करते हैं, खाली माँ ही बेचारी पढ़ाती रहती है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या होने वाला है? इमीडिएट एक्शन, कलेक्टिव ले लें क्या? नहीं, नो कॉन्टैक्ट वालों का पहले लेते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनका बताएं पहले, जो नो कॉन्टैक्ट में है। बिल्कुल बात होगी, वन नंबर आया है। 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों की बात होगी, कुछ लोगों का 30 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर बातचीत हो सकता है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से। वापस आने की एनर्जी है, सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, विद पैशन इग्नाइट, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। रोमांटिक एनर्जीज हैं। कैसा सेलिब्रेशन? आप में से मूव ऑन करके गए थे, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, ये सेलिब्रेशन है। इमोशनली इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, पूरी तरह से एंड कर दिया था रिलेशनशिप, वापस आने वाले हैं। क्या ये यूनियन लाइफ लॉन्ग रहेगा? फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कुछ लोगों के लाइफ में आ भी सकती है, हो सकता है ये लाइफ लॉन्ग ना रहे, टेम्प्रोरी रियूनियन रहे, बट होगा ज़रूर। क्यों प्रॉब्लम आएगी? विजन क्लियर नहीं है अभी भी कुछ लोगों का। केयर करते हैं इसलिए बैलेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन परमानेंट यूनियन में इट विल टेक टाइम, समय लग सकता है। तो मतलब अगर ये आएंगे भी तो ये टेम्प्रोरी यूनियन होगा, परमानेंट नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए एनर्जीज क्या हैं? जो कॉन्टैक्ट में हैं, सन की वाइब्स है, पॉजिटिविटी। फैमिली की तरफ से कुछ अड़चनें रहेंगी, फैमिली की तरफ से शादी को लेकर फैमिली नहीं मान रही, प्लान कर रहे, रूट चक्रा ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। चारों मेजर अरकाना है, अगेन मेजर अरकाना, 6-6 हार्मोनी क्रिएट होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। क्या शादी होगी सक्सेसफुली? मेरे व्यूवर्स को जो कॉन्टैक्ट में है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस बिल्कुल होगी अगर ये अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। तो जो कॉन्टैक्ट में हैं उनको अपना ब्लॉकेज हील करने की ज़रूरत है, काफ़ी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। ब्लॉकेज हील करते ही आपकी जो विश है वो पूरी होगी, परमानेंट यूनियन वाली विश। शादी का डिसीजन पावरफुली आपके पर्सन ले सकते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? अगर आप परेशान हैं तो कुछ लोगों की मदद लीजिए जो आपको लगता है कि इस टाइम पे मदद कर सकते हैं। कोई नहीं है ऐसा तो एंजल्स की मदद लीजिए। एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू इफ़ यू बिलीव। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आने वाले समय में आपकी जो भी सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं महादेव के मैसेजेस, विल टेक टू कार्ड्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? दो कार्ड आ गए हमारे पास, एंड वी हैव एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी।
bottom of the deck we have shiv jap shiv jap is mandatory and we have self care take a break आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस है कि इस टाइम पे अपने लिए थोड़ा समय निकालो थोड़ा मेडिटेशन करो अपनी एनर्जीज़ को असेंड करो नवरात्रे में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो मेडिटेट करते हो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलता है अगर आप अपनी सोल को असेंड करना चाहते हो तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है चाहे ब्रह्म मुहूर्त का हो चाहे मिडनाइट जब आपको समय मिले आप ज़रूर करो लेकिन एकांत में सेल्फ केयर टेक अ ब्रेक अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो अगर आपको लगता है कि आपके रूटीन वर्क से आप परेशान हो चुके हो सो टेक अ ब्रेक कोई ज़रूरत नहीं अपनी बॉडी को हर्ट करने की अपनी सोल को समय दो थोड़ा समय अपने आप को दो जिस काम में आपका मन लगे वो काम करो आपको घूमना पसंद है घूमो गाना सुनना पसंद है गाना सुनो वॉक करना पसंद है वॉक करो बट अपने आप को टाइम ज़रूर दो जो चीज़ आपको स्पेशल फील कराए वो कार्य करो साथ ही साथ शिव जाप आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन सब को भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं है ना तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में हैं शिव जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं जो भी मंत्र आपको अट्रैक्ट करें एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ से जा चुका है तो उनको फॉरगिव कर दो ताकि अगला जन्म फिर उनके साथ उस कार्मिक साइकिल्स में ना घूमना पड़े और अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ अगर कोई जाना चाहता है टाटा बाय बाय मेरे दिल में आपके लिए कोई ब्लेम नहीं कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं आपसे आपने जो दिया मैंने एक्सेप्ट किया मैंने आपको माफ़ किया आपने अच्छा दिया तो भी बुरा दिया तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आप अपने रास्ते जाइए खुश रहिए मैंने आपको माफ़ कर दिया अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए ऑलवेज कट द कॉर्ड्स जो जा रहा है उसे जाने दो रोको नहीं जो खुद आपका होगा वो कभी जा ही नहीं सकता आपको छोड़ के या जा ही नहीं सकती आपको छोड़ के सो नेवर चेज एंड नेवर एक्सपेक्ट टू मच किसी से भी सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए एंड अगेन सॉरी अगर थोड़ा लेट हुआ हो तो टेक केयर बाय बाय